तीसरे चरण के लिए यूपी में बीजेपी के दिग्गजों की दनादन रैली। फतेहपुर में पीएम मोदी ने राष्ट्रवाद का नाम लेकर समाजवादी पार्टी पर साधा निशाना। ये जो यूपी के गोर परिवारवादी है, उन्हें देश का पराक्रम कभी अच्छा नहीं लगा। करहल पर कब्जे के लिए जबरदस्त सियासी जंग। केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल के लिए अमित शाह ने मांगा वोट। करहल में अमित शाह ने किया माफिया राज का जिक्र, बोले सिर्फ योगी सरकार दे सकती है सुरक्षित माहौल। माफिया और गुंडों के हाथ में नहीं जाने दूंगा उत्तर प्रदेश। करहल में अखिलेश के लिए मंच पर आए पापा मुलायम सिंह यादव। बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर बीजेपी सरकार को घेरा। मुलायम ने रैली में जुटी भीड़ की तरफ किया इशारा, कहा सबके सामने है जनता का मिजाज। अखिलेश राज में किसान, नौजवान और व्यापारी मिलकर करेंगे विकास। करहल में मुलायम की सभा को लेकर जितेंद्र सिंह ने साधा निशाना, कहा करहल को बताते हैं अपना गढ़, फिर पूरा परिवार क्यों कर रहा है प्रचार। यूपी चुनाव में बीजेपी ने झोंकी ताकत। झांसी में योगी की रैली, बोले कोरोना काल में कांग्रेस और एसपी ने छोड़ा यूपी की जनता का साथ। राहुल और प्रियंका को भी योगी ने बनाया निशाना, बोले संकट के समय गायब हो जाते हैं भाई बहन। यूपी चुनाव के पहले दो चरणों में सीएम योगी ने किया बीजेपी के शानदार प्रदर्शन का दावा। आज तक से खास बातचीत में बोले 113 में से 100 सीटों पर मिलेगी जीत। पार के अपने लक्ष्य को प्राप्त कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी जो लक्ष्य दिया था कि फिर एक बार 300 पार, तो हम 300 पार के अपने लक्ष्य को प्राप्त कर रहे हैं। आज तक पर योगी आदित्यनाथ का अखिलेश पर सीधा हमला, बोले सत्ता में लूट के लिए चाचा भतीजा बराबर के भागीदार। करहल में मिलेगी करारी शिकस्त। आज तक से बातचीत में ओवैसी पर भी योगी का हमला, कहा ऐसे लोग देश में करते हैं कठपुतलापन का समर्थन। जातिवाद के आरोपों पर योगी का पलटवार, बोले क्षेत्रीय कुल में पैदा होने पर गर्व, जिन्हें अपने कुल का पता ही नहीं वो कुछ कैसे बताएंगे। इटावा में अखिलेश यादव का रोड शो, लाइन सफारी से शुरू किया विजय रथ। समाजवादी पार्टी के उम्मीदवारों के लिए मांगा वोट। अखिलेश यादव ने बीजेपी पर साधा निशाना, बोले झूठ बोलने वालों को जनता देगी सजा। झूठ बोलने वालों को सजा मिले, लोकतंत्र बचे, संविधान बचे, किसानों को कुचलने वालों को इस बार जनता माफ नहीं करेगी, उत्तर प्रदेश से पूरी तरीके से साफ करेगी। शिकोहाबाद में अखिलेश ने प्रचार अभियान में खोला मोर्चा, बोले ये भाईचारा बनाम बीजेपी का चुनाव। अखिलेश यादव ने यूपी में किया पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने का दावा। आज तक से बोले इस चुनाव में होने वाला है बीजेपी का सफाया। कानपुर देहात में समाजवादी पार्टी पर जमकर बरसे योगी आदित्यनाथ, बोले अभी बुलडोजर की चल रही है मरम्मत, 10 मार्च के बाद होगा स्वागत। किसी माफिया और अपराधी की हैसियत नहीं किसी गरीब और किसी व्यापारी को धमका सके और उनकी संपत्ति पर कब्जा कर सके। अगर करेगा तो पीछे से बुलडोजर भी चलेगा। सीएम योगी पर जयंत चौधरी का पलटवार, बोले अपमानित करने वाला है गर्मी निकालने वाला बयान, बुरा लगने की वजह से सरकार के खिलाफ वोट कर रहे हैं लोग। लोगों को बहुत बुरी लगी बात ये कहना कि गर्मी निकाल दूंगा, ये तो एक तरह की धमकी है। तीसरे चरण से पहले समाजवादी पार्टी ने जारी किया नया कैंपेन सॉन्ग, गिनाए अखिलेश सरकार के काम। पंजाब के अबोहर में गरजे प्रधानमंत्री मोदी, कहा डबल इंजन सरकार आई तो रेत और नशा माफिया का होगा सफाया। जहां भाजपा को आशीर्वाद मिल गया वहां तो कांग्रेस जड़ मूल से साफ हो गई। पंजाब में प्रधानमंत्री मोदी ने आम आदमी पार्टी पर किया हमला, कहा पूरे देश में लागू है आयुष्मान योजना लेकिन दिल्ली वालों को नहीं मिला फायदा। सीएम चन्नी के यूपी बिहार के भैया वाले बयान पर भी पीएम का पलटवार, बोले पंजाब में नहीं है ऐसा कोई गांव जहां ना हो यूपी बिहार के लोग। भैया वाले बयान पर सीएम चन्नी ने दी सफाई, बोले मीडिया ने तोड़ मरोड़ कर पेश किया मेरा बयान। चन्नी के भैया वाले बयान पर प्रियंका गांधी ने भी दी सफाई, कहा पंजाब के सीएम सिर्फ ये कहना चाहते थे कि पंजाबियों की हो सरकार। इनको समझाइए कि पंजाब पंजाबियों का है, कि पंजाब पंजाबी चलाएंगे।
बीजेपी पर प्रियंका गांधी का पलटवार, पठानकोट में बोली धर्म और असुरक्षा का डर दिखाकर मांग रहे हैं विकास। लुधियाना के संत रविदास मंदिर पहुंची कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी, समानता और भाईचारे का दिया संदेश। पंजाब के फतेहगढ़ में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का रोड शो, भगवंत मान को जिताने की अपील, बड़ी संख्या में उमड़ी भीड़। कुमार विश्वास के आरोपों को लेकर पीएम मोदी ने केजरीवाल को घेरा, अबोहर की रैली में बिना नाम लिए बोले बेहद खतरनाक है इनके इरादे। कुमार विश्वास के आरोपों पर आम आदमी पार्टी का पलटवार, राघव चड्ढा बोले 2017 से क्यों साथ रखी थी चुप्पी। कि वो 2017 से लेकर आज तक चुप क्यों थे अगर ऐसी कोई बात थी? आपको चुनाव से 2 घंटे 4 घंटे 10 घंटे पहले इन सारी चीजों की याद आई? कुमार विश्वास के आरोपों पर राहुल और प्रियंका ने भी निकाली तलवार, पूछा क्यों नहीं चुप्पी तोड़ते हैं केजरीवाल। अरुण केजरीवाल को लेकर अपने बयान पर कायम है कुमार विश्वास, बोले पूरी तरह सच है मेरे आरोप। अमृतसर में पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी का रोड शो, नवजोत सिंह सिद्धू के लिए मांगा वोट। बठिंडा में पंजाब के सीएम चन्नी ने भगवंत मान पर किया हमला, बोले जनता एक शराबी को नहीं सौंपेगी पंजाब। मणिपुर के लिए बीजेपी ने जारी किया मैनिफेस्टो, जल्द हो सकता है पीएम मोदी के दौरे का ऐलान। मणिपुर में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का ताबड़तोड़ प्रचार कार्यक्रम, वॉल्पो में किसान सम्मेलन को किया संबोधित। कर्नाटक से यूपी पहुंचा हिजाब विवाद, अलीगढ़ के धर्म समाज कॉलेज कैंपस में हिजाब पर प्रतिबंध, जगह जगह चस्पा दिए गए नोटिस। कर्नाटक के शिवमोगा में हिजाब को लेकर जारी है विवाद, कॉलेज के बाहर छात्रों का विरोध प्रदर्शन। कानपुर में ओवैसी की चुनावी रैली, अफगानिस्तान जाने वाले बयान को लेकर योगी पर कसा तंज। लखीमपुर पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, मंच पर नहीं दिखे गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी। रांची में रिम्स के पेइंग वार्ड के कमरा नंबर 11 में पहुंचे लालू प्रसाद यादव, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। पुरुलिया में कांग्रेस के ऑफिस में तोड़फोड़, तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर आरोप। रोहतक में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का विरोध प्रदर्शन, कल से हड़ताल पर जाने की दी चेतावनी। दिल्ली से सटे गुरुग्राम में यूनिवर्सिटी के छात्रों का प्रदर्शन, ऑनलाइन एग्जाम की मांग को लेकर हल्ला बोल। दिल्ली के देवली में शराब दुकान के बाहर धरने पर बैठी महिलाओं को पुलिस ने जबरदस्ती हटाया, एक महीने से जारी था प्रदर्शन। राजस्थान के करौली में पार्षदों ने जिला कलेक्ट्रेट में किया विरोध प्रदर्शन, नगर परिषद आयुक्त को हटाने की मांग। दिल्ली से सटे गुरुग्राम में ई रिक्शा चालकों ने किया पुलिस कमिश्नर ऑफिस का घेराव, अवैध वसूली का आरोप लगाकर हल्ला बोल। दिल्ली के सीमापुरी में घर से संदिग्ध बैग मिलने से सनसनी, मकान में किराए पर रहने वाले 3 से 4 लड़के फरार। सीमापुरी में संदिग्ध बैग में मिला आईजी एनएसजी की टीम ने संभाला मोर्चा, खुली जगह पर ले जाकर किया डिफ्यूज। लुधियाना में हुआ दीप सिद्धू का अंतिम संस्कार, एक झलक पाने के लिए उमड़ी हजारों की भीड़। इंदौर में छात्र ने फांसी लगाकर दी जान, सुसाइड नोट में 2 पुलिस वालों पर लगाया प्रताड़ना का आरोप। यूपी के कुशीनगर में बड़ा हादसा, कुएं में गिरने से एक बच्चे समेत 13 लड़कियों और महिलाओं की मौत। ज्यादा महिलाओं के इकट्ठा होने से टूटा कुएं का स्लैब, ग्रामीणों का आरोप, बार बार फोन करने के बाद भी घंटों मौके पर नहीं पहुंची एम्बुलेंस। रायपुर में डिवाइडर से टकराई तेज रफ्तार कार, 5 महिलाओं की मौत। मुंबई नासिक हाईवे पर कार, ऑटो रिक्शा और बाइक में भिड़ंत, 9 लोग घायल। जैसलमेर में पलटी स्कूल बस, 2 दर्जन से ज्यादा छात्र घायल, संतुलन बिगड़ने से हादसा। बिहार के गया में पुलिस की बर्बरता, प्रदर्शनकारी महिला पुरुषों के हाथ बांध कर ले जाया गया थाने, वीडियो वायरल। यूपी के मुजफ्फरनगर में दर्दनाक हादसा, आपस में टकराई 2 स्कूल बस, दर्जनों छात्र घायल। थाने में पुलिस अधिकारी के बेटे पर धारदार हथियार से हमला, 1 आरोपी गिरफ्तार, 3 फरार। बिहार के गया में खनन का विरोध कर रहे ग्रामीणों पर पुलिस ने भांजी लाठी, हाथ बांध कर पीटने का आरोप, दर्जन भर पुलिस वाले भी घायल। महाराष्ट्र के वासिम में 2 गुटों में जमकर पत्थरबाजी, शादी की बारात में नाच रहे लोगों को धक्का लगने से बढ़ा विवाद। यूपी के संत कबीर नगर में करीब 1.5 लाख के नशे की खेप बरामद, नर्सरी के लिए लाए जा रहे पौधों में छिपाकर लाया जाता था गांजा। देहरादून में अक्षय कुमार ने आईटीबीपी के हिमवीरों के साथ खेला वॉलीबॉल, कैंपस में सेंट्रल स्कूल के बच्चों से की मुलाकात। मथुरा में दिखने लगे होली के रंग, वृंदावन में ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने ब्रजवासियों के साथ खेली फूलों की होली।
आज कोलकाता में भारत और वेस्टइंडीज में दूसरा टी20 मैच दो रिस्ट स्पिनर के साथ उतर सकती है टीम इंडिया। फ्रेशर्स टेस्ट के पहले दिन न्यूजीलैंड के खिलाफ 95 रन पर ढेर साउथ अफ्रीका। खेल खत्म होने तक कीवी टीम का स्कोर 3 विकेट पर 116 रन। गेंदबाज मैट हेनरी ने झटके 7 विकेट। वर्ल्ड कप विजेता अंडर 19 के कप्तान यश धूल का रणजी मैच में शानदार प्रदर्शन। तमिलनाडु के खिलाफ अपने डेब्यू मैच में बनाए 113 रन। पंचतत्व में विलीन हुए मशहूर गीतकार और गायक बप्पी लहरी। मुंबई के पवन हंस शमशान घाट में बेटे ने दी मुखाग्नि। 104 पॉइंट्स की गिरावट के साथ 57,892 पर बंद हुआ सेंसेक्स। 17 अंक लुढ़क कर 17,304 पर निफ्टी बंद। टू व्हीलर्स पर बच्चों की सुरक्षा के लिए तैयार हुए नए नियम। दोपहिया पर बच्चे को हार्नेस बेल्ट पहनाकर बैठाना अनिवार्य। देश में जनवरी के आखिर तक 14,34,000 सक्रिय कंपनियां मौजूद। कंपनी मामलों के मंत्रालय ने दी जानकारी। आरबीआई ने ब्याज दरों के निचले स्तर पर पहुंचने का संकेत दिया। कहा बैंकों ने भी कटौती का पूरा फायदा ग्राहकों को दिया। आरबीआई ने बैंकों के डूबे कर्ज खरीदने वाले बैड बैंक की तरफदारी की। बैंकिंग सिस्टम पर एनपीए का दबाव घटेगा। जैसलमेर में खत्म हुआ 4 दिनों का मुरु महोत्सव। हजारों सैलानियों ने की शिरकत। उत्तराखंड में बड़ी सैलानियों की भीड़। बर्फ से लदी औली में चटक धूप के बीच स्कीइंग का आनंद उठा रहे पर्यटक।